मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में हुई एक पार्टी में सुशांत और सूरज पंचोली के बीच हुई गुस्सा नाराजगी की भनक जब सलमान खान को लगी तो सलमान खान ने इस बात को लेकर सुशांत सिंह राजपूत को फोन कर जमकर फटकार लगाई। अठारह साल की एक डच मॉडल इवाना स्मिथ की डेड बॉडी उनके अपार्टमेंट की बिल्डिंग फ्लोर पर पाई गई है। बताया जा रहा है कि मॉडल की कुआलालंपुर में अपने घर की 20वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉडल 20 मंजिल से गिरने से पहले काफी नशे में थी। बीते शुक्रवार रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म फुकरे रिटर्न्स दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4 दिन में 37 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। अगर फिल्म इसी तरह दर्शकों को एंटरटेन करती रही तो एक हफ्ते में 50 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है। इन दिनों बिग बॉस हाउस में न्यू कैप्टन अर्शी खान का घर में रॉब चल रहा है। शो में उनके और शिल्पा शिंदे के बीच कोल्ड वॉर जारी है। अब अर्शी ने शिल्पा को शो से हटाने की साजिश रची है। उन्हें आकाश ददलानी से कहते हुए सुना गया कि किसी भी तरह से शिल्पा को घर से बाहर निकलवाना है। ऋतिक रोशन का एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है। इस वीडियो में ऋतिक ही फिटनेस ब्रांड HRX ने बनाया है, जिसमें वे लगभग हार मान चुके लोगों को एक प्रेरणा स्रोत संदेश दे रहे हैं। वीडियो का नाम है कीप गोइंग और इसे अब तक 4,73,000 बार देखा जा चुका है। साउथ इंडियन फिल्म के सुपरस्टार रजनीकांत के जन्मदिन पर मंगलवार को उनकी आने वाली फिल्म काला का दूसरा पोस्टर रिलीज किया गया है। पोस्टर में रजनीकांत काले चश्मे में एंग्री लुक देते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही पोस्टर में यह भी जानकारी दी गई है कि फिल्म की शूटिंग जल्द ही खत्म होने वाली है। एक के बाद एक हिट रैप सॉन्ग देने वाले रैपर हनी सिंह अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गए थे। इसी बीच उनकी जगह बॉलीवुड में दूसरे रैपर्स आ गए और छा गए थे। अब खबर है कि हनी सिंह जल्द ही अपना नया गाना रिलीज करने जा रहे हैं। हनी सिंह ने वादा किया है कि उनका अगला गाना परमाणु जितना ही धमाकेदार होगा। इटली में बेहद ही प्राइवेट फंक्शन में शादी करने वाले विराट अनुष्का के शादी और शादी से पहले के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जिसमें विराट अपने करीबियों के सामने अनुष्का के लिए एक सैड सॉन्ग गा रहे हैं, मेरे महबूब कयामत होगी गाना गाया। नेटली डी लूसियो और रघुराम एक साथ आ रहे हैं ऑडियंस के बीच आंखों ही आंखों में के जरिए। नेटली और रघु ने इसके लिए अपना मोशन पोस्टर जारी किया है और एल्बम रिलीज होगा 13 दिसंबर को। विराट और अनुष्का ने शादी के लिए इटली ही क्यों चुना, इस सवाल से पर्दा हट गया है। दरअसल अनुष्का और आदित्य चोपड़ा करीबी दोस्त हैं और इसीलिए आदित्य ने अनुष्का को देश से बाहर शादी करने की सलाह दी थी।